सितंबर का महीना आते ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी तमाम गतिविधियों पर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी अब अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आज मीडिया सेंटर का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उद्घाटन किया गया, जिसके बाद प्रत्येक दिन 12 बजे मीडिया सेंटर में जाकर मीडिया से बातचीत होगी। वहां पर किस तरह के कोई आयोजन होगा या किस तरह की कोई जानकारी देनी होगी तो वो तमाम मीडिया सेंटर में ही कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जसवाल ने कहा है कि कोरोना का दर बिहार में काफी कम हुआ है। मोदी सरकार की मदद से, यानी केंद्र की मदद से, बिहार को अच्छा पैकेज मिल रहा है कोरोना को लेकर के, और कोरोना संकट में हम सब उभर कर एक नए जिम्मेदारी के साथ सामने आएंगे। और क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, इस वीडियो के जरिए आपको सुनना चाहिए। थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा कटिए, जितना लेट होगा उतना सब नहीं तो यहाँ कटिए सर, कटिए थोड़ा सा पीछे हमें यार, क्या सिनेमा दिखाओगे सर, ऐसा करता है सब आज इस मीडिया केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। और बिहार बीजेपी की मीडिया आप सबों से लगातार संपर्क में रहेगी और प्रतिदिन हमारे कोई प्रदेश के नेता या राष्ट्रीय नेता आप सबों के साथ संपर्क करेंगे। विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से विपक्ष चर्चा कर रहा था उसका झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और आज कोरोना पर बिहार की जो ठीक होने के मरीजों की दर है वह 88% है, जो भारत के भी मरीजों के ठीक होने तक की दर से 11% ज्यादा है। और यह बताती है कि इस कोरोना महामारी के दौरान बिहार सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। उसी तरह से पीएम केयर्स को लेकर के कांग्रेस के तथाकथित युवराज जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे, आज बिहार में पीएम केयर्स के फंड का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है इसका उदाहरण बिहटा का 500 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी एक 500 बेड का अस्पताल शीघ्र शुरू हो जाएगा। जो बिहार में वेंटिलेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी थी, इन सब जरूरतों को पीएम केयर्स फंड के द्वारा बिहार की जनता को तोहफे के रूप में दिया जा रहा है। और पीएम केयर्स फंड का जो भी खर्च है वह पूर्णतः पारदर्शी है। पर कुछ लोगों को यह अफसोस जरूर लग रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्षा क्यों नहीं इसकी सदस्य है और क्यों नहीं पीएम केयर्स या प्रधानमंत्री फंड के पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में जो नहीं जा पा रहे हैं, इसी को लेकर के विपक्ष को बहुत तकलीफ है। सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं, बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।